हम नए ग्रह कैसे खोजते हैं। रात के आसमान में देखकर हमने बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे कई ग्रहों के बारे में जाना। आकाश में तैरती ये चमकीली वस्तुएं जो तारों से अलग गति करते हैं, वे वास्तव में ग्रह होते हैं और हमने इन्हें जिस विधि से खोजा है उसे प्रत्यक्ष देखना यानी डायरेक्ट इमेजिंग कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान में हम अंतरिक्ष के अन्य तारों के आसपास के ग्रहों की खोज कर रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। इसके लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल कर रहे थे वह भी डायरेक्ट इमेजिंग ही है, लेकिन बहुत ही जटिल और उन्नत मशीनों के साथ। इसलिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ग्रहों की खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और प्रभावी तरीके हैं जिनका उपयोग एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय और प्रोडक्टिव तरीका पारगमन यानी ट्रांजिटिंग मेथड है। जब भी किसी तारे के आगे से कोई ग्रह गुजरता है तो आप देख सकते हैं कि उससे आने वाला प्रकाश धीमा हो जाता है और यह एक खास पैटर्न में होता है। हम इस तरह के हजारों हजार तारों पर नजर रखे हुए हैं तथा हम तारों के प्रकाश में छोटे छोटे बदलाव को भी अध्ययन कर रहे हैं। इस तरीके के द्वारा हमने अब तक हजारों तारों की खोज कर ली है। एक और प्रभावी तरीका जिस चीज का उपयोग करते हैं वो है वॉवेल। जब एक बड़ा ग्रह एक छोटे तारे की परिक्रमा करता है तो ग्रह के प्रभाव से तारे में एक खास पैटर्न में दोलन होता है और इसका अध्ययन करने के लिए हम रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें हम तारों के प्रकाश को उसके रंगों के फिंगरप्रिंट में तोड़ते हैं, जिससे हम देख पाते हैं कि यह हमारी तरफ खींच रहा है या दूर जा रहा है, जो उस ग्रह पर निर्भर करता है कि वो तारे को आपकी तरफ खींच रहा है या आपसे दूर। जैसा कि डॉपलर इफेक्ट में हम जानते हैं कि जब एक कार आपकी तरफ आती है तो उसकी आवाज तेज हो जाती है और दूर जाते ही उसकी आवाज कम हो जाती है। एक और तरीका जिससे हम इस वॉवेल को देख पाते हैं वो है एस्ट्रोमेट्रिक मेथड, और इस विधि के द्वारा हम किसी तारे और उसके ग्रह में होने वाले वॉवल्स के द्वारा उस तारे और उस ग्रह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। हालांकि अभी इस तरीके का इस्तेमाल करके किसी ग्रह की खोज नहीं हुई है, लेकिन बहुत से कैटलॉग और सर्वेक्षण बताते हैं कि हमें बहुत ही जल्द इस विधि से नए ग्रह मिलने जा रहे हैं। अब तक हम हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं जो दूर किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं, तथा अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप हमें हजारों ग्रहों की नई नई जानकारियां देने जा रही हैं, जिससे हमारे पास हमारी आकाशगंगाओं के तारों एवं ग्रहों की विविधताओं के बारे में कई सारी कहानियां होंगी आपको बताने को। इस तरह के नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल ज्ञान पंचायत को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।